दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं और हमारा जो सनातन धर्म है दोस्तों, वो कथाओं का, व्रत का, उपवास का और उत्सव का, तो जैसे उसमें महा उत्सव एक निरंतरता लगी रहती है। और ये इसलिए दोस्तों इतने सारे त्यौहार आते हैं क्योंकि हमारे जीवन को उत्सव जैसा होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में संकट ना आए इसके लिए भी व्रत कथा, उपवास और हमारे शरीर और मन को, दोनों को शांत करने के लिए व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं और ईश्वर की कृपा पाने के लिए। दोस्तों हर दिन कोई ना कोई त्यौहार आए दिन आता रहता है। और हम व्रत की बात करें तो दोस्तों, गणेश जो संकष्टी चतुर्थी कथा है, संकष्टी चतुर्थी कथा, जी हाँ, जो 13 तारीख को आ रही है, जी हाँ 13 जनवरी को, और इसमें पूजन वंदन आराधन किया जाता है। इसमें जो माताएं होती हैं वो अपने संतान की रक्षा के लिए, उनके संकट नाश के लिए ये व्रत करती हैं जिससे उनकी संतान सदैव सुखी रहे। और एक माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता तभी, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तभी होती है जब उसका पुत्र, उसकी संतान कुछ योग्य बन जाती है। तो दोस्तों आप सभी खुश रहें, निरोग रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और जो इसके शाम को जो चंद्र दर्शन होने पर जो अर्घ दिया जाता है उसका समय है, जिसे हम तिलकुटा कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही है कि संकट हरने वाली चतुर्थी, जी हाँ। और इसका अर्घ जो देना है वो 8:14 रात्रि में, 13 जनवरी को 8:14 पर अर्घ पूजा वंदन आराधन करके, जिस तरह से आपके कुल में, आपके घर में, परिवार में जो रीति निभाई जाती है, उसके पश्चात चंद्रदेव का दर्शन करके, अर्घ देकर, कुछ दान दक्षिणा कर फिर माताएं बहनें कुछ खाती पीती हैं। तो थोड़ा कठिन व्रत है, नहीं दिन भर उपवास करना पड़ता है, लेकिन अगर व्रत की कथा न सुनी जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। जी हाँ, आइए हम आपको गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा जो है वो सुनाते हैं, और जो पौराणिक कथा हम आपके लिए वो लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर अपने पुत्र और अपनी आराध्या, अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ। उनकी गोदी में बैठे थे स्वामी कार्तिकेय और गणपति विराजमान थे, आनंद था। और देवता तो भाई संकट में पड़ते ही हैं बार बार, उनको दैत्यों के द्वारा बार बार सताया जा रहा था, जिसके कारण वो बड़े भयभीत हो गए। और उन्होंने सोचा किसके पास जाएं, श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है, आप जाकर के भगवान शंकर जी से पूछिए। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के सहित भगवान शंकर के पास आए कि हम लोग बहुत दुखी हैं, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा कि गणपति और कार्तिकेय की ओर देखकर मुस्कुराकर, कौन जाएगा देवताओं के संकट हरने, दैत्यों का वध करने, उनका संहार करने? तो गणपति महाराज तो बैठे थे, और तब तक कार्तिकेय स्वामी बोल पड़े मैं जाऊंगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, उसकी परीक्षा तो हो पाए कि सबसे ज्यादा वीर कौन है, इसकी परीक्षा पिताश्री आप लीजिए, ऐसा स्वामी कार्तिकेय बोले। भगवान शंकर बोले कि फिर तुम दोनों जाओ और सारी पृथ्वी की, सारे लोकों की परिक्रमा करके आओ, फिर जो सबसे पहले आएगा उसी को भेजा जाएगा, उसी को यश मिलेगा। गणेश भगवान का शरीर तो भारी था और उनका वाहन मूसक था। कार्तिकेय स्वामी तो मोर पर सवार होकर आनंद से चले गए कि अब मुझे ही ये यश मिलने वाला है, मेरी ही मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। स्वामी कार्तिकेय तो चले गए, लेकिन भगवान विष्णु बैठे, भगवान गणपति बैठे रहे और सोचने लगे कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ। और फिर विचार किया, भगवान शंकर तो जगत के माता पिता हैं,
है ना, तुम्हें वो माता जी पिता तुम्हें वो ऐसा सोचकर कहा कि आप ही तो सब कुछ है, आप ही तो जगत के पालनहार है, आप तो सर्वत्र विराजमान है। अपने मन में ऐसा सोच करके गणपति भगवान ने अपने माता और पिता की परिक्रमा की और बैठ गए फिर से आकर के। तब तक कार्तिकेय स्वामी भाई इतनी तेज वाहन से उड़ते हुए गए थे और हवा की भांति आकर बैठे। उन्होंने कहा, क्यों गणपति, तुम तो गए ही नहीं, तुम तो पहले ही हार गए। गणपति भगवान ने अपने पिताश्री से कहा कि पिताश्री, मैं बैठा नहीं हूँ, मैंने भी परिक्रमा किया। भगवान शंकर ने कहा, तुम तो यहीं बैठे हो। तो कहा, प्रभु मैंने आपके स्वरूप की परिक्रमा की, मेरे माता पिता ही मेरे समस्त लोक हैं, और उनकी परिक्रमा मैंने कर लिया तो मेरे सारे लोक की परिक्रमा हो गई। भगवान शंकर बड़े खुश हो गए कि मेरा पुत्र मुझे कितना सम्मान देता है, कितना मुझे आनंदित करता है। उनके बल और पराक्रम को तो भगवान शिव माता पार्वती जानती ही थी। तो गणपति भगवान को ये कहा कि जाओ तुम ही। और उस दिन जब वो जा रहे थे तो उस दिन माघ मास की चतुर्थी तिथि थी, तो उस दिन से संकष्टी चतुर्थी हो गई, तिलकुटा। और इस दिन जो भी भगवान गणपति को मोदक का और तिल का गुड़ का भोग लगाता है, भगवान गणपति उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और भगवान गणपति गए दैत्यों का संहार कर लौटे और बहुत खुश हो गए, उन्हें आशीर्वाद मिला। भगवान गणपति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान जैसे गणपति भगवान ने अपने माता पिता को सर्वत्र माना, ऐसे ही हर पुत्र को भगवान अपने माता पिता में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा उनकी आराधना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हम इस संसार में हमें लाने का कार्य किया है। और दूसरी पौराणिक कथा दोस्तों इस प्रकार है, बहुत सुंदर और अद्भुत कथा है। एक समय की बात है कि भगवान नारायण विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में तय हो गया। विवाह की तो बड़ी तैयारी होने लगी, सारे देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण दिया नहीं गया। और जैसा भी जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, बड़ी तैयारियां हो गई, सारे देवी देवता उस समारोह में भगवान विष्णु के विवाह में शामिल हुए। उन सब ने देखा कि गणपति भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो सब आपस में बातें करने लगे कि भाई गणेश जी को क्यों निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है, या स्वयं गणेश जी खुद नहीं आए हैं। इस बात पर सबको आश्चर्य होने लगा, सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही चलो पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणपति के पिता भैया भोलेनाथ जी जो हैं उनको तो निमंत्रण पत्र दे दिया था, और फिर एक एक व्यक्ति को निमंत्रण पत्र थोड़ी देना पड़ता है, और उनका आने का मन होता तो वो आते, चलो फिर कभी आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, नहीं आए तो और भी अच्छा है, उनको तो सवा मन मूंग चाहिए, और इतना चावल इतना घी लड्डू दिन भर तो भोजन करते हैं, और गणेश जी नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर में इतना ज्यादा खाना पीना भी अच्छा नहीं होता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि गणेश जी अगर आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, और चूहे पर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको अच्छा लगा, भगवान विष्णु ने भी कहा अच्छा चलो ठीक है। अब तो भैया सब ठीक था, इतने में गणेश भगवान वहाँ आ गए पहुँचे, और उन्हें गणेश भगवान को सबने समझाया बुझाया कि घर की रखवाली करने बैठा दिया कि तुम यहीं पर रहो, बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणपति जी के पास गए और पूछने लगे कि विवाह में आप क्यों नहीं गए, आपको भी जाना चाहिए था, वहाँ इतना उत्सव होगा, इतना आनंद, इतनी खुशियाँ हैं। गणेश भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान कर दिया है नारद जी। और नारद जी ने फिर कहा कि आप अपने मूसक सेना को आगे भेजें, वो रास्ता खोद देगी जिससे उनका वाहन धरती में घुस जाएगा, और उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा, बिना आपके विवाह पूर्ण ही नहीं होगा। अब तो गणपति भगवान तो खुश हो गए और अपनी मूसक की सेना जल्दी से आगे भेज दी कि जाओ तुम सब लोग और जमीन को खोद कर उसमें पोल कर दो, उसमें छेद बना दो जिससे सारे बाराती के रथ जो है पहिए वो सब धंस जाए। लाख कोशिश करेंगे लेकिन निकलेगा ही नहीं, सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु जब इधर आगे पहुंचे तो एक एक करके रथ पहिए घुसते गए।
सब जगह से जगह जगह से उनके वाहन टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये हो क्या रहा है, क्या किया जाए। तब नारद जी उधर जा रहे थे। नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणपति को नहीं ना बुला करके बहुत अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाओगे तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तभी ये संकट आपके जीवन से टलेगा। भगवान शंकर ने फिर अपने दूतों को भेजा और कहा, जाओ मेरे पुत्र गणपति को लेकर आओ। गणपति जी को आदर और सम्मान के साथ में बुलाया गया और उनका पूजन आराधन करके तब जब बारात निकली तब रथ के पहिए निकले। और अब रथ के पहिए निकले तो टूटे फूटे थे, उन्हें सुधारे कौन। खेत में काम कर रहे थे कुछ लोग, आगे उन्हें बुलाया गया और वो काम करने वाला बढ़ई जो था वो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी की वंदना किया उसने, और फिर पहियों को ठीक किया। ये देख करके देवताओं ने सोचा कि गणपति के बिना तो कोई कार्य निर्विघ्न पूर्ण ही नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम गणेश जी को अगर मनाया जाए तो हर कार्य पूर्ण हो सकता है, आए जीवन में संकट टल सकते हैं। फिर गणपति जी का जो ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उनका कहना ही क्या। ऐसे कहते हुए बारात चल पड़ी और भगवान विष्णु का फिर विवाह में सबसे पहले गणपति जी का आराधन बंदन पूजन करके फिर भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हुआ। जो कोई भी अगर भगवान गणपति को नकार देता है उसके निर्विघ्न कार्य कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान है। चाहे वो किसी का विवाह रहा हो, चाहे देवी देवताओं के संकट हो, देवी देवता खुद ही पूजन आराधन करने, यहाँ तक भगवान भी अगर जाते हैं तो सर्वप्रथम गणपति भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए कि जीवन में कोई संकट उस कथा में, उस भगवान के व्रत में या मंगल कार्य में कोई संकट ना आए। तो इसलिए आप सभी भगवान गणपति की आराधना पूजन करके ही कोई कार्य प्रारंभ करें। गजाननम भूत गणाधिशेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो सुमिरत सिधि होए गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। तो भगवान गणपति की आराधना करने मात्र से, सुमिरन करने मात्र से मंगल हो जाता है। तो मंगल करने वाले गणपति भगवान आप सभी के परिवार पे, आपके संतान पर, आपके जीवन पर मंगल ही मंगल करते रहें, आपके जीवन में मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर अभी अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लें। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।